वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं मोहन सिंह बंगी, मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हलका तलवंडी साबो। सो कुछ पिछले दिनों दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बुंगा नानकसर, जो कि पिछले लंबे समय तो तकरीबन 23 साल हो गए सी केस चल रहे सी, उसके संबंध दे विच कुछ झगड़ा होया। सो अज बड़ा सुभागा देना कि सत्कार जो डीसी साहब ने, SSP साहब ने, समुचे प्रशासन ने ये दोनों धिरां नूं बुला के उसका समझौता करवाया। समझौते की डिटेल चाहे वड्डे वीर सरदार कुलदीप सिंह जी ने दसती है, पर फिर भी मैं विस्तार नाल दसना चाहुंदा कि समझौता जिहड़ा 14 मरलां दा जो झगड़ा चलिया सी, वो जगह गुरद्वारा साहब बनिया, बाबा वीर सिंह धीर सिंह उस जगह दे विच बनिया, और बुंगा नानकसर भी उस जगह दे विच बनिया, जो कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह धामी जी ने पहला ही सानू सुबह ही हुक्म करता सीगा कि बड़ा दिल दिखा के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फैसला करना। कोई ये नहीं करना कि कनाल असी घट छड़नी है जां वध छड़नी है जां जिक्का नहीं लाउणा किसे कल नूं। सो मैं उन्हां दा भी धन्नवाद करदा कि सानू पावरां दित्तियां, वह खुले पावर के नाल ही असी खुले दिल नाल सारे ने समझौता किया गया। सो जिहड़ा समझौता होया गुरद्वारा साहब जिहड़े दोने आ वह इसे तरह ही इस जगह दे विच गुरद्वारा साहब स्थापित रहेंगे, और जो उत्थे कार्ज होने वो अकाल तख्त साहब की मर्यादा के मुताबिक, जो पहला भी यह गुरद्वारा साहबान अकाल तख्त साहब की मर्यादा ही भाल रखते हैं, उस तरह ही चलाउणगे। सो मैं धन्यवाद करदा सारे समुचे जिन्ने भी रोल अदा किया इस समागम दे विच कई दिनों तो, प्रशासन का भी, सारी जिन्ने पत्रकार वीर, चाहे किसी के साथों छाण के खिलाफ मैं इतों किसी तो भी उल्ट बोलिया गया होवे असी माफ़ी भी चाहते हैं। सो अगे तो कोशिश करांगे कि इह जिहा विवाद ना खड़ा होण दिए इस समझौते नूं लागू जिहड़ी उह चीज़ बनाऊंगे, जो भी उत्थे चीज़ बनेगी उस दे उत्ते जिस तरह फैसला किया गया, गुरुआं दे गुरु रविदास भगत जी का नाम जिक्र किया, बाबा वीर सिंह धीर सिंह जी का जिक्र किया, बाबा जीवन सिंह जी का, वो असी स्थापित करांगे जदों भी बिल्डिंग उत्थे कोई भी कार्ज असी करांगे। सो जिहड़ी वाही योग जमीन आ तकरीबन बाबा वीर सिंह धीर सिंह जी दे कब्जे दे विच, इस तरह बुंगा नानकसर दे कब्जे दे विच सी, उह समझौते तहत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं छड्डी गई आ जिहदे विच आपां कार्ज इह बिल्डिंग बनाउण दी गल कर रहे हां। सो मैं सारिआं दा दुबारे फिर आपदे दिल दीआं गहराइआं विच्चों प्रधान साहब वल्लों, सतिकारयोग सिंह साहब जी वल्लों, सारी संगत दा धन्नवाद करदा ते आस करदा इस तरह तुसीं आपां असीं मिलजुल के सांझे कार्ज करदे रहिए, सहयोगी बणीए इक दूजे दे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸਰ ਬੁੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਥੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਬੁੰਗਾ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਵਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਮਾਣਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ, ਮਾਣਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਮਾਣਯੋਗ SDM ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ, DSP ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਣਯੋਗ SSP, ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ DC ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, 15 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੂਮੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,
वो भी कहिंदे असीं तुहानूं मुहैया करावांगे। तो मैं सारिया संगतों नूं मैं श्रोमणी गुरद्वारा कमेटी का भी इस गल्लों धन्नवाद करदा, साडी एक्शन कमेटी वल्लों होर जिन्हें भी साथी आए सी उन्हां दा, कि बड़ा वधिया टेबल ते एक बड़ा टकरा आपस भी सूझबूझ दे नाल टल गया। तो इस करके अगे तो दोनों धिर समाज नूं नवें समाज नूं सिख इतिहास वास्ते दसणगे ते उन्हां नूं बाणी नाल जोड़न लई प्रेरित करनगे। ते दूसरी गल जिहड़ी नानकसर बुंगा दे जमीन, मेरा ख्याल लगभग 12 कनालां दी जमीन कब्जे दे विच सी लंबे समय तो, वो जिहड़ी छड्डी आ वो जमीन दे विच जिहड़ा भी कुछ श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी कोलों बनाया जाऊ, जिहड़ी उहदी गैलरी होगी उहदे विच सतगुरु रविदास महाराज जी दी याद दे विच उन्हां नूं संप्रित किया जाऊगा, बाबा वीर सिंह बाबा धीर सिंह जी नूं। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।